का डर था आखिरकार बही हुआ है और अमेरिका और ब्रिटेन ने भारत के साथ पीओके में एक बड़ा खेल कर दिया है, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन ये वही देश हैं जो अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर भारत के साथ खड़े हैं और चीन का विरोध कर रहे हैं। वहीं पीओके में आकर अमेरिका और ब्रिटेन ने कई बड़ी चालें चली हैं और अब अपनी सेनाओं को पीओके में भेजकर भारत की टेंशन को बढ़ा दिया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका और ब्रिटेन ने पीओके के अंदर अपनी सेनाओं को क्यों भेजा है, आखिर क्यों अमेरिका और ब्रिटेन लगातार कश्मीर के मुद्दे में इंटरफेयर कर रहे हैं। अब इसी वीडियो में इन दोनों ही देशों का दोगला चेहरा दिखाएंगे कि आखिर ये कैसे दोनों ही पश्चिमी देश भारत की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहे हैं और चाइना को रोकने के लिए भारत का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब पहले आप लोग ये आर्टिकल देखिए जिसमें साफ है कि इंडियन सोशल मीडिया एरप्ट्स आफ्टर फोटो ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स इन पीओके, यानी कि जैसे ही सोशल मीडिया पर अमेरिका और ब्रिटेन के सोल्जर्स की पीओके की एक तस्वीर वायरल हुई तो एक बार फिर से भारत को इन दोनों ही देशों ने हैरान कर दिया, क्योंकि भारत ने ये नहीं सोचा था कि अमेरिका और ब्रिटेन अपनी सेनाओं को लेकर पीओके में घुस जाएंगे और ये पहली बार नहीं जब ब्रिटेन और अमेरिका की तरफ से ये हरकतें की गई हो। पहले आप लोगों को ब्रिटेन का वो काला चेहरा दिखाते हैं जो भारत से दोस्ती कर भारत की पीठ में ही छुरा घोंप रहा है, उसके बाद अमेरिका की दोगली हरकत बताएंगे। दरअसल ब्रिटेन का पाखंड भारत के लिए लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एक तरफ तो ब्रिटेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि एफटीए पर बातचीत कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पीओके में घुसकर भारत के खिलाफ एक नई चाल चल रहा है और ये पहला मौका नहीं है जब ब्रिटेन ने ऐसी हरकतों को अंजाम दिया हो, बल्कि इससे पहले भी ब्रिटेन की एक हाई कमिश्नर पीओके की यात्रा पर पहुंची थी तो उस समय भारत ने पीओके के सामने अपना विरोध जताया था और उस समय भारत ने कहा था कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है और इसमें ब्रिटेन की दखलंदाजी भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन इसके बाद भी यूके और यूएस ने पीओके के अंदर अपने मिलिट्री पर्सनल्स को भेजकर सबसे बड़ी गलती करके अपने पाखंड को दिखा दिया, क्योंकि जिस तरीके से भारत की ताकत दुनिया में बढ़ रही है तो ये ताकत ब्रिटेन और अमेरिका को चैन से सोने नहीं दे रही, इसलिए ब्रिटेन और अमेरिका भारत को रोकने के लिए पाकिस्तान का सहारा लेकर पीओके में दखलंदाजी कर रहे हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि एक तरफ तो ब्रिटेन पीओके में बार बार दखलंदाजी करके अपना पाखंड दिखा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए भारत के हिस्से वाले कश्मीर में एक नया खेल किया है और अमेरिका और ब्रिटेन ने भारत की लाल रेखा को पार कर दिया है, क्योंकि अमेरिका ने रिसेंटली नई दिल्ली के अंदर अपने अमेरिकी दूतावास पर आर्टिकल 370 का विरोध करने वाले कश्मीरी कार्यकर्ताओं के साथ इफ्तार पार्टी की थी और इसके सिर्फ एक सप्ताह बाद ही अमेरिका और ब्रिटेन अपनी सेनाओं को लेकर पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान में पहुंच गए। अब आप लोग यूके का ये ट्वीट देखिए जिसमें कहा गया है कि अगर आप लोगों को 18,000 फीट की ऊंचाई पर किसी भी कंडीशन में अपनी सेना की रिसप्लाई करनी हो तो तुम्हें कुछ याक्स की जरूरत पड़ेगी। और पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए भारत के जख्मों पर यूके ने और नमक छिड़क दिया और यही वजह थी कि भारत का गुस्सा यूके पर फूट गया और जिस ट्विटर अकाउंट से भारत के खिलाफ ये पोस्ट किया गया था भारत ने उस अकाउंट को ही सस्पेंड कर दिया। ऐसे में अमेरिका और ब्रिटेन भारत को गिराने और मोदी को हराने के लिए लाख कोशिशें कर ले, लेकिन चाइना की तरह ये लोग भी अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे और मोदी के नेतृत्व में भारत ऐसे ही चमकता रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।